Let us see the next question. The price of bond in the beginning of the period is $100. तुमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट्स द पी जीरो इज डॉलर 100 एंड इट इज $105 एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो इट इज P1 105. ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है. द कूपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज $7. इन्वेस्टर को इंटरेस्ट इनकम मिलेगा $7 का. The US dollar appreciates during the period by 3%. So dollar currency appreciate होगा by 3%. Question में दे रखा है find the return on investment in terms of domestic that is home currency. Please go through the question. चलो let us see how to do answer. Everybody is requested to pay attention. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ईयर जीरो में इन्वेस्टर सिक्योरिटी खरीदेगा $100 में. फर्स्ट ईयर के एंड में सिक्योरिटी का प्राइस हो जाएगा $105. साथ साथ इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम मिलेगा. इट इज $7 ऐसा दे रखा है. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से द डॉलर करेंसी फर्दर एप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 3%. तो डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में होम करेंसी के टर्म में आपको रिटर्न फाइंड करना है. तो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस. कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट इनकम प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इनटू 100. यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि उनको $7 का इंटरेस्ट मिलेगा प्लस प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी राइजेस टू 105. इट वॉज 100 व्हेन इट वॉज परचेस्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज. तो यानी रिटर्न क्या होगा फ्रेंड्स? रिटर्न होगा 12%. ऐसा करके रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज 12%. ना उसके अलावा से द इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है? डॉलर करेंसी एप्रिशिएट होने का फायदा मिल रहा है. सो रिटर्न टू इन्वेस्टर इज इक्वल टू 1.12 इंटू 1.03 माइनस 1 इंटू 100. ऐसा किया जाएगा. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? 1.12 इंटू 1.03 सो 1.1536 माइनस 1 इंटू 100 सो 15.36% का रिटर्न. 1.1536 माइनस 1 इंटू 100 0.1536 दैट कम्स टू 15.36%. So it is 1.1536 minus 1 तो ओवरऑल रिटर्न इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? 15.36% का. ऐसा हम लोग समझते हैं. अगर हम लोग कुछ ऐसा करें डिटेल में समझने के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं लेट अस से दैट्स द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 70 रुपीज पर डॉलर. प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्या है? $100.
तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 7,000 रुपये का करना पड़ेगा। कैसे 7,000 रुपये? 70 रुपीज का स्पॉट एक्सचेंज रेट है और $100 का इन्वेस्टमेंट है, $100 का प्राइस है। एक साल के बाद इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? 105 सिक्योरिटी का प्राइस मिलेगा प्लस $7 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कुल मिला के $112 मिलेंगे। बाय दैट टाइम दिस 70 रुपीज पर डॉलर मस्ट हैव बीन अप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 3%। तो 70 + 3% दैट कम्स टू 72.1। सो इंटू 72.1 इंटू क्या करेंगे? 112, यानी क्या हो जाएगा? इट इज 8075.2। सो वी अंडरस्टैंड दैट द इन्वेस्टर ने आज कितना इन्वेस्टमेंट किया था? इन्वेस्टर ने आज 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। उसके सामने इन्वेस्टर को एक साल के बाद क्या मिलेगा? 8075.2, यानी इन्वेस्टर को रिटर्न क्या मिला फ्रेंड्स? 8075.2 माइनस 7,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज। तो सो वी अंडरस्टैंड इट्स डिवाइडेड बाय 7,000 माइनस 1 इनटू 100 दैट कम्स टू 15.36%। ऐसा करके हम लोग रिटर्न 15.36% को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पे फ्रेंड्स हम लोग और कोई भी रेट लेंगे ना, उस हिसाब से ये रेट चेंज करना पड़ेगा और हमारा फाइनल आंसर 15.36% ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले सिक्योरिटी का रिटर्न फाइंड किया और फिर इन्वेस्टर का ओवरऑल रिटर्न फाइंड किया। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ऐसा कुछ बना सकते हैं, 1 + रिटर्न इन परसेंटेज टर्म इनटू 1 + एप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो डिडक्ट करने का, जो भी आंसर है उसमें से 1 डिडक्ट किया जाएगा, जो भी आंसर होगा इनटू 100 किया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट द आंसर इन परसेंटेज टर्म टू द इन्वेस्टर। प्लीज अंडर आंसर।